नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि क्या हमें वजन बढ़ाने के लिए वेट गेनर लेना चाहिए क्या? जवाब है सख्त नहीं, नहीं हमें वजन बढ़ाने के लिए वेट गेनर नहीं लेना है। अच्छा, वेट गेनर नहीं लेना तो वजन कैसे बढ़ाया जाए? वजन बढ़ाने के सरप्लस में रहना होता है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज खानी होती है। इसके बारे में मैं अपने पुराने वीडियोस में बात कर चुका हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो पुराने वीडियोस जाके देख लो। वजन बढ़ाने के लिए हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना, कैलोरी सरप्लस में रहना है। लेकिन अगर मैं बिस्तर पर पड़ा रहूँ और खूब ठूंस ठूंस के खाऊँ और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाता जाऊँगा खाता जाऊँगा, मेरा वजन बढ़ने लग जाएगा। लेकिन वो वजन चर्बी में बढ़ेगा, लगभग सारा ही वो चर्बी में बढ़ेगा। हो सकता है सारे चर्बी में बढ़े, लगभग भी नहीं, सारे चर्बी में बढ़े। तो वो चर्बी में बढ़ेगा तो क्या होएगा, मेरे शरीर में चर्बी बढ़ने लगेगी, मेरा पेट आगे आने लगेगा, मेरा शरीर ढीला ढाला सा होने लग जाएगा, भारी होएगा, मेरे को हिलने चलने फिरने में दिक्कत होगी, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई तो मेरे को सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, ज़्यादा शरीर से मेरे चर्बी से मेरे शरीर में बीमारियाँ आ सकती हैं। अच्छा, तो वजन भी बढ़ाना है और चर्बी भी नहीं चढ़ानी तो क्या किया जाए? कसरत की जाए। अच्छा, वजन बढ़ाएंगे और कसरत करेंगे तो हमारे शरीर में चर्बी नहीं है। कसरत कौन सी सबसे अच्छी कसरत तो मैं आपको कहूँगा, मतलब कसरत आप कोई भी करो आपके शरीर के लिए अच्छी है, पर मसल वजन बढ़ेगा तो शरीर में वजन मेन दो ही जगह पे बढ़ेगा, या तो चर्बी में या मसल में। अब वो शरीर में चर्बी नहीं बढ़ानी तो आप वही वजन मसल में बढ़ाओ, मांसपेशी में बढ़ाओ। उसके लिए आप वजन उठाओ, वेट ट्रेनिंग करो, जो जिम में हम वजन उठा करके कसरत करते हैं वो कसरत करो, चाहे घर घर पे पे करो चाहे जिम में करो, वजन उठाने वाली कसरत करोगे तो आपके शरीर में मसल बढ़ेगी। जो वजन बढ़ रहा है वो मसल में बढ़ेगा, चर्बी में नहीं बढ़ेगा, या चर्बी में कम बढ़ेगा, मसल में ज्यादा बढ़ेगा। फिर एक बात और कि वजन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ाना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं महीने में 3-4-5 किलो तो बढ़ ही जाना चाहिए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। मसल इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, मसल बढ़ानी है तो महीने कि 1 किलो से ज्यादा वजन मत बढ़ाओ। 1 किलो का 1.25 किलो होगा कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा 1.5 किलो होगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे सही है महीने का 900 ग्राम या 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो तक रुको, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ। अच्छा, तो रोज की तुम अगर सोच रहे हो कि मैं वजन बढ़ाने के लिए कसरत तो कर ही रहा हूँ दबा करके, मैं रोज की कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूँ, 800 कैलोरी का सरप्लस कर लेता हूँ, रोज का 800 कैलोरी होती है 100 ग्राम, रोज का मेरा 100 ग्राम वजन बढ़ेगा तो महीने भर में 3 किलो वजन बढ़ जाएगा, तो तुम गलती कर रहे हो। ये काफी बड़ी गलती होगी, इतना ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। महीने का 1 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाओगे तो वो लगभग सारा 1 किलो से ऊपर का जो चर्बी में ही गिना जाएगा। अच्छा, अब गेनर के साथ क्या दिक्कत है? गेनर के साथ ये दिक्कत है कि गेनर में बहुत सारी कैलोरीज होती है छोटे से चम्मच में, एक छोटे से स्कूप में, एक छोटे से चम्मच में बहुत सारी कैलोरीज होती है। जैसे मान लो एक वेट गेनर है उसमें एक चम्मच में 300 कैलोरी है और पानी भी बोल के पीनी है, और दिन में आपको जिम का ट्रेनर बोल देगा या फिर उसके डब्बे पे लिखा होगा कि दिन में 3 चम्मच पी लो, दिन में 3 चम्मच पी लोगे 900 कैलोरी हो जाएगी। तुम 3 चम्मच कह रहे हो, तुम जिम का ट्रेनर कह रहे हो 2 चम्मच ले लो, 4 चम्मच ले लो, तुम अपने मान लो तुम 3 चम्मच ले रहे हो, 300 कैलोरी एक चम्मच में थी, 900 कैलोरी होगी। और इसके अलावा तुम खाना खाओगे, अब तुम्हें वजन बढ़ाना है तो तुम खाना एकदम दबा के खाते हो कि हाँ आने दो, ये आ रहा है तो ये भी आन दो, आ रहा है वो भी आन दो, तो इसमें क्या आएगा, तुम्हारा वजन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगा। पहले तो तुम खाना ही दबा के खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो तुम्हारे खाने से ही वजन जल्दी बढ़ेगा। और उसके अलावा जो तुमने 900 कैलोरी 3 चम्मच वेट गेनर रोज खा करके रोज की जोड़ी है, इससे तुम लगभग रोज का 100 ग्राम वजन बढ़ाने लग जाओगे, जिससे क्या होगा कि महीने के आखिर में तुम करीब 3-3.5 किलो वजन सिर्फ वेट गेनर से तुम्हारा बढ़ चुका होगा, और बाकी जो खाने से बढ़ रहा होगा वो अलग। इतना ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना, मैंने अभी भी बताया था। और फिर इसके साथ में एक और दिक्कत भी है कि तुम बहुत ज्यादा खाओगे, तुम्हारी चर्बी बढ़ने लग जाएगी और तुम्हें पता नहीं है कितना खाना है,
तुम बस खाए जा रहे हो, जो वहाँ सामने आ रहा है खाए जा रहे हो, ऊपर से वेट गेनर लिए जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें तुम्हारी भूख महसूस होनी बंद हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम घड़ी देख करके खाना खाना चालू कर देते हो कि अरे हर एक घंटे में खाना है, दो घंटे में खाना है, उसके ऊपर वेट गेनर भी लेना है, वो वेट गेनर भी तुम्हारे शरीर में जाएगा, तुम्हारी ब्लड शुगर बढ़ाएगा, खाने से भी तुम्हारी ब्लड शुगर बढ़ रही है, तुम्हारी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में फैट ज़्यादा बढ़ने लग गया है, तुम्हें भूख महसूस मंद होने लग जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब भूख लग रही है कब नहीं, तुम बस खाई जा रहे हो खाना है, ये तुम्हारे लिए एक लंबे समय के लिए बहुत नुकसान कर सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना, वेट गेनर नहीं लेना। अच्छा, वेट गेनर से जैसा मैं बताया ना, महीने 3-3.5 किलो सिर्फ 3 चम्मच ले रहे हो तो हो सकता है कोई 4-5 चम्मच भी ले ले तो और ज्यादा 5 किलो हो जाएगा, और फिर उसको लगे यार एकदम बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, यार ये डब्बा लिया मैंने गेनर का, मेरे तो महीने के 5 किलो बढ़ गया वजन, वो आपको बहुत गलत लग रहा है, महीने के 1 किलो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था, वो भी गेनर से नहीं बढ़ना चाहिए था, खाने और कसरत से बढ़ना चाहिए था, बहुत जल्दी वजन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा वजन इतने कम टाइम में मसल में नहीं बढ़ सकता, तो वो लगभग सारा फैट में बढ़ेगा। अच्छा, जो आप अपने शरीर को नुकसान कर रहे हो, जो भूख महसूस होनी बंद हो जाएगी, आपके हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, आपके हॉर्मोन्स का लेवल इम्बेलेंस हो जाएगा, उनमें दिक्कत होने लग जाएगी, वो सारे नुकसान अलग है, और तुम्हें वहम होने लग जाएगा कि अरे ये तो काम कर रहा है, अरे अरे ये तो अपने को महीने भर में इतना वजन बढ़ा दिया, 3 किलो 5 किलो 7 किलो इतना वजन बढ़ गया, ये हो गया वो। ज़्यादा अच्छा ये है, सबसे अच्छा ये है, गेनर को भूल जाओ, गेनर लेना ही नहीं है, कसरत करनी है ढंग से, ना ज़्यादा ना बहुत कम, ढंग से कसरत करनी है, और खाना खाना है भूख लगे तब खाना है, कैलोरी सरप्लस में खाना है, और जो कुदरती खाने हैं उनसे खाना है, गेनर से नहीं खाना है, कुदरती खाने हैं उनसे खाने हैं, जो मील रिप्लेसमेंट आते हैं कि अरे खाने की जगह ये मील की जगह ये खा लो, ये सब नहीं, गेनर नहीं, सिर्फ खाना देसी खाना, जो खाना मुंह से खाया जाता है और चबा के खाया जाता है वो खाना, और कसरत, और कैलोरी सरप्लस में, बहुत बड़ा कैलोरी सरप्लस में, अगर समझ में नहीं आ रहा कैलोरी सरप्लस क्या है तो पीछे जाकर के मेरे वीडियोस देख लो। जैसे ये गेनर का वहम जो है ये लोगों का यहाँ पे दूर होता है, ऐसे ही मैंने कई और वीडियोस में वहम दूर करें, इस पूरी सीरीज चल रही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो, इन्हें लोगों के वहम दूर करने जरूरी है, लोग अपना नुकसान कर सकते हैं ये सब अनशन चीज़ें लेकर के, लोगों को तक सही बात को पहुंचाओ, लोगों का भला करो, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो वायरल हो या मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए, इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों का भी भला हो इससे, और चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करो, हमारे लिए वीडियो बाय।